हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज डिस्कशन में। चलिए सेशन आज का सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम देखते हैं कि पहले पेज पे कौन कौन से न्यूज इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट होगी बस हम वही डिस्कस करेंगे, उसके अलावा हम कोई न्यूज़ डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले न्यूज़ जो दी गई है राफेल के बारे में दी गई है। अब राफेल के बारे में आपको बता देता हूँ दोस्तों, राफेल जो ले रहे हैं हम दोस्तों फ्रांस से ले रहे हैं, फ्रांस से ले रहे हैं। आपको ये याद रखना है कि राफेल हम किससे खरीद रहे हैं, फ्रांस से ले रहे हैं, और ये 36 राफेल लड़ाकू विमान ले रहे हैं हम। बस इतना ही आपको याद रखना है, इसके अलावा आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये पॉलिटिकल मामला दिया गया तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो काम का था मैंने इसमें आपको बता दिया। अब बात करते हैं देखो एक चक्रवाती तूफान तितली के बारे में। तो ये चक्रवाती तूफान तितली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पर बुरी तरह से मतलब इनको प्रभावित किया है। तो अभी देखो ये बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ है तितली। अच्छा एक चीज़ और आप ये सोच सकते हो कि इसका नाम अलग अलग क्यों देते हैं चक्रवाती तूफान का। देखो होता क्या है कि अगर ये अलग अलग हम नाम नहीं देंगे तो इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा। सपोज करो अगर हमने इस बार इसका नाम तितली दे दिया, अगर ये बहुत ही मतलब लोगों ने अनुमान लगाया, जो हमारे मतलब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उन्होंने अनुमान लगाया कि इस तूफान की स्पीड सपोज करो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहने वाली है। हो सकता है वो तट तक आते 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 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह गई, मतलब नॉर्मल हो गया, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो गया। तो अगली बार अगर मैं फिर से इसका तितली नाम रखूँगा, अगर फिर से वो चक्रवात आए और गवर्नमेंट कहे कि इस बार 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसकी स्पीड होने वाली हवा की, तो लोग क्या सोचेंगे यार पिछली बार भी तो तितली तूफान आया था, नॉर्मल ही आया था। क्योंकि देखो बहुत सारे मतलब हमारी जनता ऐसा है कि वो लोग सोचते हैं कि ठीक है सेम नाम का ही तो जो पिछली बार आया तो वैसे ही है, क्या पता इस बार 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही वो आ जाए तो कितनी जान माल की बहुत ज़्यादा हानि हो जाएगी और लोगों को इसका आइडिया भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए जितनी बार चक्रवात आते हैं ना उतनी बार इसके नाम अलग अलग बदले जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता रहे कि अच्छा ये वाला तूफान इतनी स्पीड से आ रहा है, तो लोगों को पता रहे तो उस हिसाब से लोग अपना मतलब बैकअप कर ले या उस हिसाब से तैयारी कर ले। तो ये चक्रवाती तूफान दोस्तों तितली जो आया वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पर आया, और इसकी जो विंड की स्पीड थी लगभग 140 से 150 किलोमीटर पर घंटे के मतलब पर आवर की स्पीड से था, 140 किलोमीटर से 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से था। बहुत तेज़ हवाएं होती है। अब स्पीड का मतलब ये होता है कि ये हवाएं चलती है दोस्तों जो तट पे आकर टकराती है, इनकी स्पीड 140 से 150 किलोमीटर होती है, इतनी तेज़ होती है कि चाहे तो एक पेड़ को मतलब पेड़ को उखाड़ देते हैं, इतनी तेज़ स्पीड से चलती हैं। ठीक है, तो बस आपको इतना ही जानना था कि चक्रवाती तूफान तितली किस किस तट पे आया। अगर आपसे पूछा भी जाएगा एग्जाम में तो एक तो पूछा जाएगा तितली क्या है, आपसे एक पूछ लिया जाएगा कि तितली क्या है। आपको मैंने बता दिया कि चक्रवाती तूफान है जो बंगाल की खाड़ी से उठा था, एक एक पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट आपसे ये पूछा जा सकता है कि तितली चक्रवात जो है वो किन किन तटों पर आकर टकराया है, मतलब किन स्टेट में आकर टकराया है। तो आपको ये पता होना चाहिए उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, बस आपको ये दो पॉइंट याद रखना है, इसके अलावा इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो एक एक न्यूज़ और इम्पॉर्टेंट है, हम ये भी आपको मैं जूम करके दिखाई देता हूँ। ठीक है, दो अंतरिक्ष यात्री को लेकर जा रहे सोयूज आपात की लैंडिंग कराई गई। अभी इनका मतलब ये रसिया का दोस्तों है। ठीक है, ये जो अंतरिक्ष यान है रसिया का है, इसमें दो यात्री थे, एक यूएसए के और एक रसिया के थे। तो इसकी कुछ इसमें इनके इसमें कुछ आग लगने के कारण, ठीक है, इनके यान में इनकी आपातकाल लैंडिंग कराई गई कजाकिस्तान में। तब बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ठीक है कि देखो इसमें लिख भी रखा है दो अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर गुरुवार को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस से रवाना हुए रूस के सोयूज यान को बीच रास्ते में गड़बड़ी आने के कारण उतारना पड़ा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि सोयूज यान कहाँ का है, रशिया का है। इसमें दो यात्री थे दोस्तों, एक एक जो दो दो अंतरिक्ष यात्री थे उसमें से एक यूएसए के थे और एक रशिया के थे। ठीक है, तो इसमें बस यही इंपॉर्टेंट था, इसके अलावा इसमें और कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट फर्स्ट पेज पर नहीं है। पॉलिटिकल मामले दिए गए हैं तो हम वो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे वो काम का नहीं होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिटी न्यूज़ है तो ये ज़्यादातर दिल्ली के बारे में दिया होता है। तो आम्रपाली के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था दोस्तों, इसमें हमने डीआरटी के बारे में डिस्कस किया था। बस डीआरटी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हमने ये बता बहुत बार डिस्कस भी कर लिया ये। ठीक है, तो फिर से राफेल सौदे को लेकर आया, हमने राफेल के बारे में अभी जस्ट आपको बता दिया कि राफेल क्या था, तो हम वो डिस्कस नहीं करने वाले। अब देखो यहाँ पे आरटीआई के बारे में दिया गया है, तो आरटीआई के बारे में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ आरटीआई की क्या है। आरटीआई को दोस्तों एक तो फुल फॉर्म जान लो कि आरटीआई क्या है। आरटीआई का फुल फॉर्म है दोस्तों राइट टू इन्फॉर्मेशन, RIGST, राइट टू इन्फॉर्मेशन इसका आरटीआई का फुल फॉर्म है, और हिंदी में इसको बोले तो सूचना का अधिकार है। देखो अगर आपको जिस गांव में रहते हो आप, जिस शहर में रहते हो, जिस ज़िले में रहते हो, सपोज करो आपके यहाँ कोई मतलब एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ, पहले आरटीआई होता क्या है। ठीक है,
कोई चीज़ बनी, मतलब कोई पुल बना, कोई पुल बना या कोई रास्ते बने, तो आप उसमें कितना खर्चा आया है आप ये जान सकते हो, आपका ये अधिकार है। तो यही कहते हैं आरटीआई के अंदर, अगर कोई पुल बना उसकी लागत कितनी लगी, आपको लगता है कि इसमें मतलब चोरी हुई है या बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है, तो आप आरटीआई लेके जान सकते हो, आपको पूरी सही सही इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि इस पुल को बनाने में कितना खर्चा आया है। सपोज़ करो आप कोई पुल बनाना है, उसका आपको लगता है कि खर्च मतलब 1 करोड़ रुपये आना चाहिए था, आपको लगता है कि इसमें शायद बहुत ज़्यादा लोगों ने पैसा खा के 5 करोड़ के आसपास बना लिया, तो आप आरटीआई डालिए, आप मांगिए इनसे, आपको पूरा रिटर्न डॉक्यूमेंट्स के साथ आ जाएगा। हाँ, इसमें एक ऑप्शन आपको और मिलता है कि आप इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहते हैं या हार्ड कॉपी चाहते हैं, तो वो पर पेज कुछ पैसा लेते हैं, 10-25 पैसे, 50 पैसे, तो उस हिसाब से आपको वो कॉपी मिल जाती है। ठीक है, तो आपको डिटेल में पूरा मिल जाएगा कि इसकी लागत एक्चुअल में 5 करोड़ है या 10 करोड़ है, मतलब लोग जो जो लोग कह रहे हैं, आप अफवाहों से बच सकते हैं, आप एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं इससे। देखो आरटीआई कब बना था, मैं आपको ये बता देता हूँ, आरटीआई दोस्तों बना था 12 अक्टूबर 2015 को। ठीक है, 2003 को बना था ये, सॉरी 2005 को बना था, 12 अक्टूबर 2005 को बना था ये, इसको 13 साल हो गए अभी। तो 12 अक्टूबर 2005 को ये सूचना का अधिकार कानून लाया गया दोस्तों। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि आरटीआई कब बना था, 2005 में, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको बस इतना पता हो कि आरटीआई जब कब बना था, आरटीआई बना था 2005 में। ठीक है, तो इसमें हमने बस डिस्कस कर लिया, इसमें बहुत सारे फैक्ट दिए गए कि आरटीआई से फ़ायदे क्या हुए, कौन कौन सी अपील कर सकते हैं आप, तो ये ठीक है, आप एज ए नॉलेज पढ़ सकते हो, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आरटीआई का बस इतना ही फ़ायदा है कि मतलब कितने मतलब चोरी होते हैं, जो घोटाले होते हैं, उससे बहुत सारे मतलब घोटाले उजागर हो जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है आरटीआई का। कभी आपको ऐसा भी लग सकता है जैसे कोई दुकान चल रहा है, ठीक है, अब वो लाइसेंस है कि नहीं आपको नहीं पता, तो आप आरटीआई डालोगे कि आप आरटीआई डायरेक्ट डाल दो कि मुझे जानना है कि ये जो दुकान चल रही है ये लाइसेंस है कि नहीं। सपोज़ कर एग्जाम्पल देता हूँ, कोई शराब की दुकान है आपके रास्ते में पड़ता है, आप बहुत परेशान हो या फिर आपको लगता है कि नहीं ये एक्चुअली में मतलब लाइसेंस है कि नहीं, आप इसके लिए भी आरटीआई डाल के पता कर सकते हो। सपोज़ करो कोई बूचड़ खाना, जिसको बूचड़ खाना मतलब जैसे गौ मांस कटते हैं, सॉरी गौ मांस बोल रहा हूँ, जो मांस कटते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये पता करना है कि लाइसेंस लेके बना रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो मांस काट रहे हैं यहाँ पे लाइसेंस लेके काट रहे हैं या फिर बिना लाइसेंस काट रहे हैं। ठीक है, तो आप इनके लिए भी आरटीआई डाल के पता कर सकते हो कि आप मतलब आप अपने डीएम को या किसी भी लेवल के अधिकारी को लिख सकते हो इसमें कि कृपया आप बताया जाए मुझे कि ये जो दुकान है यहाँ पे लाइसेंस है कि नहीं, तो उनको रिटर्न में आपको मतलब एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, तो आप ऐसे भी पता कर सकते हो, अगर लाइसेंस नहीं है तो उनको हटाना भी पड़ सकता है ये। तो ये आरटीआई के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे WHO और यूनिसेफ ने कहा कि पोलियो मुक्त बना हुआ है भारत। अब देखो अभी केस क्या हुआ था, हम एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे WHO क्या है और यूनिसेफ क्या है। देखो मामला क्या था दोस्तों, कि टीकाकरण के दौरान जो ओरल वैक्सीन होती है पोलियो की, उसमें क्या हुआ था, उसमें टाइप टू पोलियो वायरस मिला, उसमें टाइप टू पोलियो वायरस मिला, तो इससे हड़कंप मच गई, तो इसके लोगों को लगा कि नहीं फिर से पोलियो आ गया। लेकिन अभी WHO और यूनिसेफ ने कहा कि नहीं, भारत पोलियो से मुक्त है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने मतलब सिरे से ही नकार दिया इसको। ठीक है, तो अब इसके बारे में अगर देख लेते हैं कि WHO क्या है और यूनिसेफ क्या है, तो ठीक है अब देखिए WHO देखते हैं। WHO दोस्तों का फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं, WHO क्या है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। WHO की स्थापना 1948 में हुई थी, आपको ये याद रखना है। WHO का फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, तो ये आपको पता होना चाहिए। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, और जो किस सेक्टर में काम करते हैं आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, ये हेल्थ रिलेटेड फील्ड में काम करते हैं, जैसे पोलियो को दूर करना उसमें फील्ड में काम करेंगे, उस फील्ड में काम करेंगे, जीका वायरस का केस था उसमें वो काम करते हैं, मतलब जो बड़ी बड़ी बीमारियां जो होती हैं पूरे देश से मिटाने के लिए उनको हेल्प करते हैं ये। और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पेरेंट मतलब ये किस कंपनी के अंदर आती है ऐसा समझ लो आप। ठीक है, तो इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, ये है UNENC। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस काउंसिल। जैसे यूनाइटेड नेशन के मैंने बताया था कि लगभग छः ऑर्गेनाइजेशन के मतलब इसके 6 पार्ट हैं, तो उसमें से एक ये है UNESC, मतलब यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर आती है आपका WHO। उसके बाद बात करते हैं जो यूनिसेफ की, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जिसका फुल फॉर्म यही है, यूनिसेफ को बोलते हैं हम दोस्तों, यूनी
सेफ यूनिसेफ को हम बोलते हैं दोस्तों यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, इसको हम बोलते हैं चिल्ड्रन फंड, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, तो ये इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946। आपको इसको डेट याद नहीं रखना, बस ईयर याद रखना है। बहुत लोग सोच रहे होंगे सर डेट भी याद रखना पड़ेगा, क्या नहीं, आपको बस मैं डेट इसलिए बता देता हूँ कि बस आपको पता रहे, ठीक है, अगर पढ़ो तो आपको एटलीस्ट आइडिया रहे। लेकिन इसका 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 जो फॉर्मेशन हुआ था 1946 को हुआ था, बस आपको इतना याद रखना है। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर दोस्तों ये है न्यूयॉर्क में, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है, तो इतना ही काम का है। और देखो ये किस फील्ड में काम करते हैं मैं बता देता हूँ आपको, ये दोस्तों जो बच्चों के लिए ना फूड और हेल्थ के फील्ड में काम करते हैं, मतलब किसी देश में कंट्री में कुछ प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, तो वो क्या करते हैं जो चिल्ड्रन होते हैं बच्चों के लिए फूड के लिए और हेल्थ के लिए ये सारे काम करते हैं, इस फील्ड में काम करते हैं ये, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब देखो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी सरदार पटेल की मूर्ति बनी है दोस्तों, ये लगभग 153 182 फीट की, 182 फीट की, ठीक है, यहाँ पे है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में 182 फीट की है, ठीक है। तो देखो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, देखो ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू होने वाली है, इससे पहले ये चाइना की थी, उसके उसके पहले जो थी अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी थी, जिसको हम कुछ टाइम मतलब वो उसमें भी रहा है आपका सेवन वंडर्स में रहा है, ठीक है। तो देखो अब इसे हमारे काम काम का क्या है हम वो देखते हैं, ठीक है, ये तो ठीक है इन्फॉर्मेशन हो गया कि 182 मीटर ऊँची है। देखो हमारे काम का क्या है, जो ये बना है इनके इनकी मूर्ति, सरदार पटेल जी की मूर्ति बनी है, ये बनी है दोस्तों विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में। तो ये आप याद रखिएगा कि विंध्याचल, ठीक है, विंध्याचल व सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में बनी है, सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में बनी है, आप ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ये आपके काम का है कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसका नाम, इसको नाम दिया गया स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है, प्लस इसकी हाइट 182 मीटर है। तीसरा ये जो बना हुआ है दोस्तों, ये बना हुआ है विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच में बना है, जिसे जो टापू, इस टापू को बोलते हैं साधु बेट टापू, ठीक है, उस टापू को बोलते हैं ये, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है साधु बेट टापू बोलते हैं इसको। बस आपके काम का इतना ही है, इससे अलावा और कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए पॉलिटिकल मामला है महासमर वाला, तो हम वो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, गठबंधन वगैरह ये सब जो हमारे काम का दोस्तों हम बस वही पढ़ेंगे। देखो अब सबरीमाला केस यहाँ पे भी दिया गया, सबरीमाला केस केरल का मामला था, जिसमें ये था कि जो 10 साल से 50 साल की महिलाएं होती थी, ठीक है, उनको मासिक धर्म के दौरान उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं इनको प्रवेश दिया जाएगा 10 साल से 50 साल के बीच में, और जितनी भी औरतें सबको प्रवेश दिया जाएगा। तो इसी बेस पे अब क्या हुआ कि हिंदुओं ने एक याचिका दायर की महिलाओं के लिए कि जो मस्जिद होता है ना, मस्जिद का जो मेन मेन मतलब मस्जिद का जो मेन पार्ट होता है, मतलब मेन एरिया होता है, ठीक है, सेंटर एक पॉइंट होता है, तो वहाँ पर उनको नहीं जाने दिया जाता है। तो इसमें लेके याचिका दायर की गई थी कि उन जैसे सबरीमाला केस में इनको मतलब फ्रीडम मिली है, वैसे ही मुस्लिम महिलाओं को भी फ्रीडम दी जाए कि उनको भी जो मस्जिद का मेन गेट होता है, मेन पार्ट होता है, वहाँ पे भी उनको जाने दिया जाए, ठीक है। तो वहाँ पे तो इसके लिए तो इसमें केरल के हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है, ठीक है। तो अब ये फिर से कहा गया कि मुस्लिम महिलाओं को कहेंगे कि मुस्लिम महिलाएँ इसके लिए याचिका दायर करें। तो देखिए आगे क्या मामला होता है, बट हमें सबरीमाला केस के बारे में बस जानना था कि सबरीमाला केस क्या था। ये केरल में एप्पा मंदिर था, जिसमें 10 साल से 50 साल के महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता था, तो अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से इसमें इसको इनको खारिज कर दिया गया है कि अब वो जा सकती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए पॉलिटिकल मामले हम डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों, आप बचा करिए क्योंकि थोड़ा सा मतलब हमें इंटरेस्टिंग लगता है, बट वो आपके काम का नहीं है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उन चीज़ों से आप बचिए। देखिए अब इसमें एक न्यूज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाती है, विज्ञापनों में देना होगा आपराधिक ब्यौरा। अभी क्या हुआ, निर्वाचन आयोग ने क्या कहा, निर्वाचन आयोग ने कहा कि अभी इन्होंने नए नए नियम दिए, नए नियम के अनुसार क्या है, आगामी चुनाव में जो भी उम्मीदवार इलेक्शन में खड़े होंगे उन्हें अपने सारे आपराधिक केस वह देनदारियों का विज्ञापन प्रकाशित करना होगा। मतलब क्या है कि आप अगर इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं तो आपके खिलाफ़ जितने भी आपराधिक केस हैं, जितने भी आपराधिक केस हैं वो सारे न्यूज़पेपर में देने पड़ेंगे, मतलब जैसे ऐड आते हैं ना, ऐड की तरह आपको पूरे न्यूज़पेपर में देने पड़ेंगे। प्लस आपको देनदारी कितनी, देनदारी मतलब आपके लोन कितने, लोगों को पैसे कितने देने हैं, आपको वो भी दिखाना पड़ेगा, आपको वो भी न्यूज़पेपर में प्रकाशित करना पड़ेगा। और एक चीज़ इसमें निर्वाचन आयोग ने जो मतलब सही चीज़ कही वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। उसमें एक चीज़ उन्होंने ये भी कहा कि जो न्यूज़ का फंड होना चाहिए ना वो 12 होना चाहिए,
अब फ्रंट 12 क्या होता है, फ्रंट 12 मतलब जैसे आप कोई बुक पढ़ते होंगे तो जो उसमें स्टैंडर्ड साइज होती है उसको फ्रंट 12 में ही होती है, मतलब ये जो न्यूज़ पेपर के आप पढ़ रहे हो इसमें ये साइज इससे छोटी नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या होता है कि कभी कभी लोग बहुत ही छोटे 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 टाइप करा के एक कोने में वो प्रिंट प्रकाशित करा जाता है जिससे कोई पढ़ता भी नहीं है। उन्होंने कहा कि इसकी जो फ्रंट होती है ना, फ्रंट मतलब एक साइज है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह आप करेंगे या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करेंगे उसमें फ्रंट होता है, ठीक है, तो इस फ्रंट की जो साइज़ होगी वो 12 होगी, इससे छोटी नहीं होगी। तो इसलिए कहा गया, इसमें क्योंकि न्यूज़पेपर अगर प्रकाशित करोगे आप तो लोग इसको पढ़ें, लोग जाने कि जो हमारा नेता खड़ा हो रहा है उसके खिलाफ़ कितने आपराधिक मामले हैं, उसकी दिनदारियाँ कितनी हैं, क्योंकि क्योंकि आज मतलब आजकल जो मतलब चल रहा है प्रचलन कि आपराधिक लोग दोस्तों ज़्यादातर आजकल पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, तो इन चीज़ों पर लगाम लगाने के लिए मतलब कोशिश की जा रही है निर्वाचन आयोग के द्वारा कि जो अच्छे लोग हैं जो भारत को एक आगे तक ले जाए वो लोग इलेक्शन में लड़े और वो लोग पॉलिटिक्स में आए, ठीक है। तो इसमें लगभग हमने सारा डिस्कस कर लिया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो तितली का फिर से नाम आ गया, ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये चक्रवाती तूफान है जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पर आया हुआ है, इसमें देखो इसी कहर से 8 लोगों की मौत भी हो गई। सो ये हमने लगभग डिस्कस कर लिया है, तो इसको इससे आगे बढ़ते हैं। कल अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन था, सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये एडिटोरियल दोस्तों, एक या दो एडिटोरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं था। देखो एक तो यह है कि यौन शोषण के खिलाफ, आपको पता है कि हैशटैग मीटू चल रहा है, अभी अभियान चल रहा है, अब इसके तहत जिसके साथ यौन शोषण हुआ है वो ऐसे लिख के हैशटैग मीटू लिख के अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है, तो इसमें इस आर्टिकल में तो बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव चीज़ें दिखाई गई कि ये अच्छा पहल है कि जो लोग मतलब सार्वजनिक रूप से आके कह नहीं पाते थे तो वो आके एटलीस्ट कह पा रहे हैं कि मतलब ठीक है हमारे साथ भी यौन अपराध हुआ। बट इसमें दो पॉइंट है दोस्तों, एक तो पहला पॉइंट ये है कि मतलब प्रूफ करना मुश्किल है, ठीक है आपके साथ यौन शोषण हुआ, आज की महिलाएं सशक्त हो रही हैं, लोगों से आके अपनी चीज़ें कह रही हैं खुल के, बट इसमें देखो दोनों पॉइंट हमें सोचने पड़ेंगे, जो इसमें कहा गया एक तो वो ठीक है, दूसरा पॉइंट ये भी सोचना है कि आप कह तो रहे हो लेकिन आप प्रूफ कैसे कर पाओगे, अगर आपके साथ 10 साल पहले रेप हुआ, ठीक है, तो आप 10 साल बाद इसको कैसे प्रूफ करोगे। तो एक पॉइंट ये भी आ जाता है, अभी अगर मैं आपको मतलब नई न्यूज़ ने बताऊँ तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट कहा था, उसमें ट्वीट में उनका कहने का मतलब ये था कि जो ये हैशटैग मीटू लोग कह रहे हैं, अब आप मजाक कह सकते हैं या सीरियस भी ले सकते हैं उसको, हैशटैग मीटू लोग कह रहे हैं एक्चुअल में वो उनका पुराना प्यार है या अपने दोस्त थे जिनको जिनके साथ उनका रिलेशनशिप रहा, वो उनको मतलब छोड़ दिए या किसी वर्ष, तो एक तरह से याद करने का ये तरीका है या उनको भूल नहीं पा रहे, तो ये भी एक पॉइंट हो जाता है। हो सकता है आपका किसी से रिलेशन रहा हो, आपने बाद में ब्रेकअप हो गया तो आप उसको भी हैशटैग मीटू करके उसको आप कह रहे हो कि नहीं मेरे साथ उसने दुर्व्यवहार किया, तो एक चीज़ एक पॉइंट ये भी हो सकती है। तो हमें दोनों पॉइंट को सोचना पड़ेगा, पहला पॉइंट ये है कि ठीक है ये चीज़ें गलत हो रही हैं, एटलीस्ट हमारी महिलाएं हमारे सोशल मतलब समाज में आके अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं, बता रही हैं कि हमारे साथ देखो ये चीज़ें हुई है, ये घटनाएं हुई हैं। दूसरा पॉइंट ये भी है कि हो सकता है उसकी वजह से मतलब जो लोग लाइफ में आगे बढ़ गए उनकी लाइफ प्रभावित हो जाए, ठीक है, तो हमें ये पॉइंट भी इसमें देखना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं, कोई पर्सन था किसी एक्स और वाई, मान लो एक्स और वाई थे दोनों, इनका रिलेशन था, आपस में ब्रेकअप हो गया, ठीक है, कल को ये दोनों अलग हो गए, कल को दोनों अलग हो गए, इस वाई पर्सन की शादी किसी जेड पर्सन से हो गई, ठीक है, अब ये जो एक्स पर्सन थी मतलब लेडीज़ मान लो ये थी, फीमेल थी, अब इसने हैशटैग मीटू लिखा और इस पर वाई पर्सन का नाम डाल दिया उसमें, तब इनको देखो इनकी वैवाहिक जो लाइफ चल रही है वो तो प्रभावित होगी इससे ना, इनके बच्चे हो गए हैं सपोज करिए, जॉब कर रहे हैं, तो हर जगह ये परेशान होंगे मतलब मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाएंगे भले इनके ऊपर केस ना करें ये, तो ये एक निगेटिव साइड इसमें फैक्ट भी है कि मतलब ठीक है हैशटैग मीटू अच्छा अच्छी पहल है, बट ये एक्चुअली कानूनी रूप से हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें कहा गया दागी नेताओं पर लगाम लगाए संसद, तो वही बात कहेगी जो हमने अभी तक अभी दोस्तों हाल ही में डिस्कस किया, ठीक है, कि जितने भी नेता हैं उनके मतलब उनके पास एक तो उनकी संपत्ति बहुत ही रेपिडली बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो अब कहाँ से पैसा आता है कैसे आता है ये लोगों को पता, सबको पता है कि काला धन के थ्रू आता है, बट उस पर लगाम कैसे लगाया जाए ये पॉइंट है। तो अभी इसमें इसीलिए चुनाव आयोग ने क्या कहा कि आप अपनी संपत्ति का पूरा विवरण दीजिए, ऐड दीजिए, ठीक है, अगर आप अगले साल फिर 5 साल वाले इलेक्शन लड़ेंगे तो लोगों को पता रहेगा यार पिछले साल तो इसकी प्रॉपर्टी तो 1 लाख थी, इस साल 25 लाख हो गई, ठीक है, तो लोगों को पता रहेगा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, तो ये सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, इसमें यही चीज़ें डिस्कस की गई हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखो कृषि और देखो ये भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, अभी आपको पता है कि इन्वेस्टर समिट 2018 संपन्न हुआ उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में एक अच्छी चीज़ पहल दोस्तों ये सामने आई कि लोगों ने कृषि के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्राइवेट फर्म से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया, ठीक है, तब इसमें ये चीज़ कही जाती है कि ये बहुत ही बढ़िया पहल है कि मतलब प्राइवेट सेक्टर भी कृषि की ओर अब मतलब इन्वेस्ट करने को रेडी है। तो इसमें एक पॉइंट और इसमें कहते हैं कि लेखक कि जब ये राज्य बना, जब उत्तराखंड यूपी से कट के अलग हुआ,
तो जब उस समय जो 1 लाख हेक्टेयर लगभग जमीन थी, जो भूमि जो थी वो मतलब कृषि योग्य थी, आज के टाइम पर धीरे धीरे 1 लाख हेक्टेयर के आसपास की ज़मीन बंजर में तब्दील हो गई। क्यों? क्योंकि सरकारी गवर्नमेंट योजनाएं चलती हैं, आपको पता है गवर्नमेंट योजनाएं कितनी धीरे धीरे चलती हैं और उसको कंप्लीट टाइम पे किया भी नहीं जाता, जिसकी वजह से 1 लाख हेक्टेयर की जो भूमि थी वो कृषि योग्य थी और धीरे धीरे वो बंजर में तब्दील हो गई। तो इसमें यही चीज़ कहते हैं लेखक कि प्राइवेट फर्म के आने से एक तो हमारी कृषि में रैपिडली ग्रोथ होगा, ठीक है, प्लस जो बंजर भूमि है उनको भी टेक्नोलॉजी के थ्रू अच्छे से उनको मतलब उपजाऊ भूमि बनाने में भी हेल्प करेंगे वो। तो यही इसमें कहा गया कि ठीक है, मतलब अभी इन्वेस्टर समिट में प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा है, तो ये चीज़ें इसमें कही गई हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाकी दोस्तों देखो, इसमें ज़्यादातर मामले पॉलिटिकल दिए हुए हैं, ठीक है, तो हम पॉलिटिकल मामले नहीं देखेंगे। कई आर्टिकल का दूसरा पेज पूरा ही पॉलिटिकल से दिया गया है, तो हम वो सारी नहीं देखेंगे, ठीक है। जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे हम, ठीक है। अब देखो, एक एक पॉइंट हम ये डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, अमेरिका ने चेताया मालदीव में लोकतंत्र। देखो अभी ये मामला क्या है, मैं आपको बता दूँ, आपको बहुत दिन पहले हमने एक बार डिस्कस भी किया था कि मालदीव में इलेक्शन हुआ था राष्ट्रपति चुनाव के लिए, जिसमें अब्दुल्ला यामीन थे, ठीक है, अब्दुल्ला यामीन थे, वो इलेक्शन हार गए थे, लेकिन उनको विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो हार गए हैं, तो वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं कि नहीं चुनाव में मतलब चीटिंग हुई है, सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला फिर से दे मतलब फैसला फिर से देना चाहिए चुनाव आयोग को कि उसको फिर से री इलेक्शन कराया जाए। ये तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। और जो इनके अपोनेंट थे, मतलब इनके जो विरोधी थे, उनके विपक्ष में, वो थे इब्राहिम मोहम्मद सोहेल, तो वो इलेक्शन जीत गए, लेकिन ये राष्ट्रपति उनको बनने नहीं दे रहे हैं। बार बार ये मतलब कह रहे कि नहीं इलेक्शन में फ्रॉड हुआ है, ऐसे ऐसे ये करके बार बार मतलब देखो, अभी इन्होंने इसमें ये भी लिख रखा है कि यामीन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, ठीक है। इन्होंने याचिका दी कि नहीं इसमें चीटिंग हुई थी, कृपया आप इसको ध्यान दीजिए, इसको फिर से रिलेक्शन कराइए, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं इलेक्शन हार गया हूँ, ठीक है। देखो अब ये एक एक न्यूज ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि S-400 को लेकर, तो देखो अभी S-400 का डील तो हो गया है, तो भारत के लिए कंसर्निंग नहीं है, ठीक है। बात इसमें देखो कार्सा कानून की भी कही गई है, तो मैं कार्सा कानून की एक बार फिर से डिस्कशन कर लेता हूँ, ठीक है। कार्सा कानून है क्या? देखो कार्सा कानून के अंदर ये यूएसए का एक लॉ है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये किसी भी कंट्री पर जैसे सैंक्शन लगाते हैं, ठीक है, प्रतिबंध लगाते हैं किसी कंट्री पर, तो क्या होता है कि जिस कंट्री पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया, फॉर एग्जाम्पल यूएसए रसिया कर लेते हैं, ठीक है, इन्होंने अगर रसिया पर प्रतिबंध लगाया है, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि जितने भी हमारे मतलब मित्र देश हैं वो जिस देश पे उन्होंने प्रतिबंध लगाया उससे कुछ भी नहीं खरीदेंगे, चाहे डिफेंस का हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे इंस्टीट्यूशनल हो, आप कोई भी काम इनके साथ नहीं करोगे। सेम यही है। अब देखो रशिया पे इन्होंने प्रतिबंध क्यों लगाया था कि आपको पता है 2016 में इलेक्शन हुए, ठीक है, तो इनके ऊपर रशिया के ऊपर आरोप लगाया था कि इन्होंने इलेक्शन में इंटरफेयर करने की कोशिश की थी और डोनाल्ड ट्रंप को जिताने की कोशिश की थी, जिसके वजह से यूएसए ने इनके ऊपर सेंक्शन लगा दिए थे, ठीक है, तभी सेंक्शन चल ही रहा है। तो इसी वजह से रशिया से हमने S-400 डील की, तो आपको पता है कि यूएसए और भारत के रिलेशन बहुत ही अच्छे हो रहे हैं अभी, ठीक है, तो और मित्र भी मतलब एक तरह से इनके दोनों मित्र ही हो गए। तो अब इसी वजह से रशिया ने कहा कि आप मतलब यूएसए ने इंडिया को कहा कि आप रशिया से आप S-400 ना खरीदें, हम उसका सब्स्टिट्यूट कराएंगे, लेकिन इंडिया ने कहा कि हमारी ज़रूरतें हैं, हम इसको पीछे नहीं हट सकते, ठीक है। तो अब इसमें इस डील में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है वैसे तो, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो लगभग दोस्तों हमने इसमें जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो सारे डिस्कस कर ली हैं, ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स का न्यूज़ है, तो स्पोर्ट्स में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम वो नहीं देख डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब सोयूज का फिर से यहाँ पे आ गया, सोयूज अंतरिक्ष यान की बात, तो हमने अब डिस्कस कर लिया था कि एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे और एक रसिया के वैज्ञानिक थे इसमें, ठीक है, जिनकी अपार्ट लैंडिंग कराएगी कजाकिस्तान में, ठीक है। तो बस इतना ही था दोस्तों आज के न्यूज़ में, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर पसंद आया तो दोस्तों के साथ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।